अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर सबसे पहले हमने 15, 16, 13 और अब हम 14 पे आते हैं, मैट्रिसेस एंड ठीक है। अब इसमें क्या हमने सबसे पहले देखना है, मैट्रिसेस की बेसिक चीजें दी होंगी जो आपने जो है इंटर लेवल में देखा होगा और मैट्रिक लेवल में चीजें देखी होंगी। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, यानी कि वो इसमें हमारे पास देखते हैं रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं और ब्रैकेट से हमने इनको इनक्लोज किया होता है, हम इसको कहते हैं मैट्रिसेस कहते हैं ठीक है। इसके बाद इसको नोटेशन हम यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जी सो ऑन, इस तरह से लेटर्स यूज करते हैं हम, और जिसके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर्स से रिनोट करते हैं जो अंदर होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहलाता है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम इज सेड टू बी एम इंटू एन ऑर्डर का हमारे पास कहलाता है ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए टू रोज है, वन एंड टू टू रोज है, तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, वन टू एंड थ्री, थ्री कॉलम है, तो टू इंटू थ्री ऑर्डर है इसका, यानी कि पहले आता है एन का मतलब है रोज का ऑर्डर और उसके बाद आता है कॉलम का ऑर्डर ठीक है। अगर बेसिकली देखा जाए तो आर इंटू सी हमारा ये कहलाता है रो इंटू कॉलम, रो का ऑर्डर और साथ हमारा कॉलम का ऑर्डर आ जाता है ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन, मार्क्स ऑब्टेन बाय थ्री स्टूडेंट सिजल माहम एंड नायाब इन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एंड अकाउंटिंग आर एज फॉलोज ठीक है। तीनों के हमें जो है मार्क्स गिवन है और तीनों नेम गिवन है इस तरह से। हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले सिजल के जो है इकोनॉमिक्स में, फिर उसके मैथ्स में, अकाउंटिंग में, इस तरह से एक टेबल के फॉर्म में बना हुआ है ठीक है। और हमने इसके बाद हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये लिखा जा सकता है दीज मार्क्स में भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इस तरह से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम एम इंटू एन इज द मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय आई जे वे आई डिनोट। अब आपको बताइए आपके रोज को डिनोट करता है और जे आपके कॉलम को डिनोट करता है और एम इंटू एन का मतलब है एम रोज एन कॉलम, इस तरह से आप कह सकते हो ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आप बता सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैं पूछती हूँ ए का ऑर्डर क्या है, तो वन वन है। बी का ऑर्डर पूछूंगी तो वो क्या होगा, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो वन इंटू टू। और ये सी का अगर मैं पूछती हूँ, लेट्स सपोज सी का ऑर्डर क्या है, तो सी का ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा वन और थ्री ठीक है। अब ये इस पे आते हैं बी पे, तो ये हमारे पास सेकंड जो है रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो क्या हो जाएगा टू वन, ये टू टू एंड ये टू थ्री, इस तरह से हमारे हम जो है एलिमेंट्स के जो ऑर्डर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, यहाँ पे आते हैं देखिए सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट जैसे कि 3, 48, एक सिर्फ मैट्रिक्स में एलिमेंट होगा, इसको हम क्या कहते हैं सिंगल सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास एक रो होती है, अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन रो जिसमें होती है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें हमारे पास एक कॉलम होगा उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स ठीक है। कॉलम के फॉर्म में होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, रो एक रो के फॉर्म में होगा तो रो मैट्रिक्स, और जस्ट वन एलिमेंट होगा तो उसको हम उसको कहते हैं सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अभी अभी तो आपको बेसिकली चीजें सिखा रहे हैं कि मैट्रिक्स को हम कैसे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इन द मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको पता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जब बराबर हो, जैसे कि यहाँ पे देखो टू रोज है और कॉलम्स कितने हैं, इसमें थ्री है, तो ये बराबर नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की दो साइड बराबर, जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर अगर शेप होती है दो साइड से बराबर होती है दूसरी दो दो साइड से ठीक है, दो अपोजिट साइड आपस में बराबर होती है, जैसे कि कुछ दो ये साइड बराबर हो जाएंगी या कुछ ये वाली दो बराबर हो जाएंगी, इस तरह से होता है दो बराबर और दो बराबर, इस तरह से जो स्फीयर होता है उसकी चारों साइड आपको पता है बराबर होती है, जो रेक्टेंगल होता है उसकी दो साइड आपस में बराबर होती है ठीक है। ये इस तरह का जो होता है वो स्फीयर होता है और ये रेक्टेंगल कहलाता है। अच्छा आप यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें जो है रोज एंड कॉलम्स का ऑर्डर बराबर नहीं होगा। अब ये बी भी देख लें, इसमें भी हमारे पास जो है कॉलम्स दो है और रोज थ्री है, तो थ्री इंटू टू का ऑर्डर है इसका, और ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे ठीक है। एनी मैट्रिक्स हैविंग इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं ठीक है। जैसे कि टू इंटू टू ऑर्डर है हमारे पास ठीक है, ये टू इंटू टू ऑर्डर है, ये हमारे पास थ्री इंटू थ्री ऑर्डर है, हमारे पास कहलाएंगे क्या ये होंगे, ये सारे हमारे पास हो जाएंगे स्क्वेयर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स, ये देखिए यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स वो होते हैं इन स्क्वेयर मैट्रिक्स ए
एलिमेंट्स ए आई जे फॉर आई इज इक्वल टू जे आर कॉल्ड डायगनल एलिमेंट्स एंड द लाइन अलोंग विच डायगनल एलिमेंट्स कॉल्ड लीडिंग डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हो जाएंगे ये सारे जो 5 -3 के डायगनल एलिमेंट्स है। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट, और ये है बेसिकली स्क्वेयर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, स्क्वेयर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है और इस तरह से ये इसके डायगनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऑफ ऑर्डर डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगनल एलिमेंट्स के अलावा वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम ऑफ डायगनल, जैसे कि 2, 3, 7, 4, 8, 2, ये सारे ऑफ डायगनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, 2, 3, 4, 7, 8, 2, ये सारे ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हैं। तो ये डायगनल एलिमेंट्स जो इस तरह से होता है सिर्फ ये वाला, बाकी सारे ऊपर उसके नीचे जो होते हैं डायगनल वो सारे ऑफ डायगनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर ये ए है तो उसका कंजुगेट क्या होगा? उसका रिवर्स। जैसे कि अगर ए 1, 2 हमारे पास 1 है तो ए 2, 1 हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब क्या है, इस इन स्क्वेयर मैट्रिक्स ए एलिमेंट्स ए आई जे एंड ए जी आई आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट्स इन स्क्वेयर मैट्रिक्स ए। ये जो हमारे पास 1 है एंड 3 आर कंजुगेट एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो 1 है और ये 3 हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास 2, 5 है, ये हमारे डायगनल एलिमेंट हो गए, जो 1 और 3 है ये हमारे पास कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अपर एंड लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स ये है, अ ट्राइंगल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगनल आर 0 इज कॉल्ड अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये 0 है, ये जो नीचे और ऊपर सारी वैल्यूज है ये हमारी अपर ट्राइंगल कहलाएगी, इसका से भी हमारी अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। लोअर ट्राइंगल में क्या होगा? ऊपर वाली सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, नीचे वाली सारी वैल्यूज डायगनल और डायगनल से नीचे वाली वैल्यू सारी हमारे उसके अंदर एग्जिस्ट करती होंगी। इस तरह से हम कहते हैं इसको ये हमारे पास लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अगर इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होगा जिसमें सारी वैल्यू 0 होगी, चाहे वो हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में हो, चाहे वो स्क्वेयर फॉर्म में हो, चाहे वो सिंगल फॉर्म में हो, चाहे रो फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में, उसकी सारी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट आता है डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगनल मैट्रिक्स में वही कि हमारे पास डायगनल में कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, उसके अलावा सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 होगी। आ स्क्वेयर मैट्रिक्स इन विच मेन डायगनल, जो मेन डायगनल एलिमेंट्स हैं एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट और एंड ऑल ऑफ डायगनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, ऑफ डायगनल सारी एलिमेंट्स जो होते हैं 0 होते हैं, और जो हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स है उसमें कम से कम जो है 1 वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स का। अभी तक की सारी आपको बता रहे हैं कि किस तरह का कौन सा मैट्रिक्स होता है। आ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द मेन डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू नॉन जीरो स्केलर नंबर एंड ऑल ऑफ डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा कि हमारे पास की वैल्यूज बराबर है आपस में। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें हमारे पास यहाँ पे 1, 1 होता है। ठीक है, ये स्पेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि इसमें 2 by 2 भी हो सकता है, 3 by 3 ऑर्डर है ना, 2 by 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4 by 4 ऑर्डर का भी हो सकता है, लेकिन याद रखना इसके सारे डायगनल के एलिमेंट्स क्या होंगे? 1, 1 और बाकी सारे ऑफ डायगनल हमारे पास 0 होंगे, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इन द वाइस वर्सा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि जो रोज थी ना, ये देखिए हमारे पास रोज थी, इनको हम कॉलम बना लेंगे और जो कॉलम है उनको हम रोज बना लेंगे। ठीक है, जैसे 1, 2, 4 ये 1, 2, 4 बन जाएगा, -3, 7, 0 इसको हम इस तरह से लिख दिया। ठीक है, जो रोज थी उनको हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से जो हम लेते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि हम उसका ट्रांसपोज भी लें तो वो उसी के बराबर है। ठीक है, जिसके हमारे पास ए है 3, 7, 7, -5, इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, ये 3, 7, 7, -5 ही रहता है, यानी कि ए ट्रांसपोज और ए आपस में बराबर होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपने उसका ट्रांसपोज लिया, जो भी हुआ वो वैसे का वैसा है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स ए सेट टू स्क्यू सिमेट्रिक, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके इनवर्स के बराबर बन जाएगा। जैसे कि ये 0, 3, -3 है, इसका ट्रांसपोज दिया तो ये 0, -3, 3, 0, क्योंकि आपको पता है रोज को अपने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये बन जाएगा। इस तरह से हम इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकालते हैं तो ये हमारा ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A के बराबर हो जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक है लेकिन स्क्यू साइन चाहिए उसमें किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास सब मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। अब जैसे कि हमारे पास एक कोई ए मैट्रिक्स है, उसका हमने सब मैट्रिक्स लिया, मैंने कह दिया कि पहले रो को भी छोड़ देना, पहले कॉलम को भी छोड़ देना है, तो हमारे पास 2, -3, 9, 7 ये बचता है, इसको मैं कहती हूँ ये है सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ऑपरेशन इसमें क्या हो सकते हैं? एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन,
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट या मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, या इसको हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं, याद रखना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद कॉन्स्टेंट या स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम जो बेसिकली इससे देखते हैं क्वेश्चन से, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा न्यूमेरिकल या कुछ भी। लेकिन जैसे कि ये हमारे पास ए है, एक मैट्रिक्स है, मैंने उसको के ए बनाना है, तो मैंने सारी वैल्यू को अंदर के से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मेरा देखिए के ए के बराबर बन जाएगा। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, इफ ए 2 0 6 -4 है, कैलकुलेट 3 a -2 a एंड 3/2 a, ठीक है। फर्स्ट में तो हमने क्या करना है, 3 a हमारे पास देखिए, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 a हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते गए, तो हमारे पास ये 3 a आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2 × 3 = 6 आ जाएगा, 0 और ये 3 × 6 = 18, -1 × 3 -1, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हमने -2 a किया, तो जहाँ पे भी ए था सबको हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये -2 हो गया। नेक्स्ट हमने 3/2 से ए को हर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 0 9 -6, इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब आता है एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस, क्या होता है, अप टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ दे आर कंपेरेबल, दे हैव सेम ऑर्डर, ठीक है। सम ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी एंड मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एडिंग इन द ईच एलिमेंट टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी। अब जैसे कि ए है, ये बी है, तो हमने ए प्लस बी करना है, तो ये हमारे पास ए प्लस बी इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ए प्लस बी को साथ लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास ए और बी को हमने ऐड करके लिख लिया। अब ये देखिए, जैसे कि ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, ए है और ये बी है, हमने कैलकुलेट ए प्लस बी करना, तो क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको 2 में ऐड कर देंगे, 2 को 4 के साथ 3 को 3 के साथ, 0 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, 4 को 4 के साथ, आपस में ऐड करके ए प्लस बी हमने इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स भी 2/2 का, सॉरी सेम ऑर्डर का बनेगा, जैसे कि हमारा ऑर्डर था, इसका ऑर्डर हमारे पास था, ये जैसे देखें, ये हमारे पास इसके 2 रोज हैं, 2 × 3 ऑर्डर है, इसका भी 2 × 3 ऑर्डर है, जो हमारा दोनों को ऐड करने के बाद आएगा वो भी 2 × 3 ऑर्डर का होगा, 2 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ए प्लस बी को ऐड करें बी प्लस ए को, तो दोनों का सेम वैल्यूज आएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि ए प्लस बी में सी ऐड करें या फिर बी प्लस सी को पहले ब्रैकेट में ऐड कर लें फिर उसमें ए ऐड करें, तो दोनों का आंसर बराबर आएगा। प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम के कोई कॉन्स्टेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास हम के बाहर रखते हैं और ऐड करते हैं ब्रैकेट में, या हम इनको सिंपल ओपन करके भी कर लें, तो हमारा सेम आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसमें हमने 0 को ऐड किया, हमारा आंसर ए ही आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी के ऐड करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, ए बी सी और ओ है, देन शो डैट ए प्लस बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये 2007 में आया हुआ, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के इसमें पास कर सकते। सबसे पहले तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्लस बी हमने लिया, तो हमने ये जो है 1 4 से सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया, हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में फिर हमने बी प्लस ए करना है, फिर वैल्यूज को हमने ऐड किया, तो हमने देखा कि 1 2 6 5 दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गए, हेंस प्रूफ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिया हमने ए प्लस बी, जो ऐड किया ब्रैकेट में, सी को अलग से ऐड कर लिया, फिर दोबारा से सी को ऐड करके हमारे पास ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने ब्रैकेट में पहले दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व कर लिया, फिर ब्रैकेट के बाद इस वाली वैल्यू को ए को दोबारा से ऐड कर दिया, हमने फिर देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर को 10 प्रूफ के हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट फिर इसके बाद हमारे पास आता है 3 × a + b, 3 a + 3 b, जैसे हमने पहले और लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले 3 लिया और ए प्लस बी को ब्रैकेट में सोल्व किया, बाद में जो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दी, 3 मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया, सेपरेट मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दिया, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी यही होगा, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर सबट्रैक्शन इफ दे आर कंपेरेबल कंपेरेबल दे हैव सेम ऑर्डर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर डिनोटेड बाय ए माइनस बी, जिस तरह से एडिशन को ए प्लस बी से करते हैं तो इसको ए माइनस बी से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, ऑब्टेन बाय सबट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एलिमेंट हम जो है ए से सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक है। अब इसको भी न्यूमेरिकली हम देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा। जैसे कि ए और बी हमारे पास है, देन फाइंड मैट्रिक्स ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। सबसे पहले हमने ए माइनस बी किया, तो 5 - 2 किया,
टू माइनस फोर किया, माइनस वन माइनस जीरो किया, थ्री माइनस माइनस टू किया, इसका से अगर हमने ये माइनस किया तो मतलब मतलब बी का आंसर आ जाएगा। बी माइनस ए के लिए भी पहले बी लिख लिया फिर ए लिख लिया, पहले इसको माइनस करते गए, साइन जो भी आता आपने साथ देना माइनस हो प्लस। अब आप यहाँ पर नोट करेंगे ए माइनस बी इक्वल टू नहीं होता बी माइनस ए का, ठीक है, लेकिन ए माइनस बी हमारे पास बराबर होता है माइनस बी माइनस ए के, ठीक है। इतना से ये हमारे पास स्किव-सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी के लिहाज से आप कह सकते हो कि इसका से बराबर आ रहा है, लेकिन ये आपस में इसका से बराबर नहीं होते, इसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो जो है फुलफिल नहीं करती। बी माइनस ए इज अ नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस बी, या फिर बी माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए माइनस बी, आप ये दोनों वर्ड्स कह सकते हैं कि ये है इसका मतलब इनवर्स है, तो या फिर एडिटिव इनवर्स है, इतना से आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यानी कि कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि रोज कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के और जो रोज है वो सेकंड मैट्रिक्स के, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स की रो और फर्स्ट कॉलम के कॉलम्स जो है आपस में क्या हो जाए कंफर्टेबल हो जाए तब हम डब्ल्यू, द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल हैव द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू दोस फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम इन दोस इन सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, एम इनटू एन। अब यहां पे इसको हम देखते हैं ना बेसिकली एग्जांपल से आपको ज्यादा मुझे क्लियर होगा, थ्योरेटिकल इतना ज्यादा वो आपको एलिमिनेशन नहीं आ। यहां पे देखते हैं ये हमारे पास है, जैसे कि ये ए है और ये है हमारे पास बी, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2 एंड 3 और इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। हमने कहा था ना कि हम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स को देखते हैं, इसके देखिए नंबर ऑफ जो है हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 3 है, इसकी नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 2 एंड 3 है, ठीक है, ये हमने चेक कर लिया दोनों का इस तरह से, ये सब सबसे पहले ये चीज हमने चेक करनी होती है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो इस तरह से, ठीक है। तो फाइंड ए बी वो शेल पर सी डी, ये देखिए हमने देखा ये हमारे पास रोज है ये कॉलम्स है और ये हमारे पास रोज बराबर है, हमने यहाँ पे देख लिया, जब ये हो जाता है फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो फर्स्ट रो पे फर्स्ट इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मैथड बताया मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने मल्टीप्लाई करके बता दी, जैसे कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स था। नेक्स्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन को, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमें क्वेश्चन सामने है नहीं आपके, देखिए जैसे कि पहले क्या किया आपने कॉलम को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर एक वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया एक वैल्यू, सेकंड वाले को फिर सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई किया सेकंड को थर्ड के साथ, इस तरह से एक वैल्यू आकर हमारे पास इस तरह से एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, ये लिखिए ये हमारे साथ मैट्रिक्स बन गया। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ कमोटेटिव, याद रखना है इसकी प्रॉपर्टीज में आता है कि मल्टीप्लीकेटिव इज अ नॉट कमोटेटिव, ए बी इक्वल टू नॉट बी होगा और ए बी सी आर कंफर्टेबल मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो लाई करती है ये होती होल्ड करती है, लेकिन कमोटेटिव होल्ड नहीं करती। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी लाई इसमें लाई करता है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी इसमें लाई करता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों तरह से आप इसमें सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्या होता है ए अगर हमारे पास कोई कॉलम है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं या आइडेंटिटी को हम ए से करते हैं तो हमारे पास ए ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ आवर मैट्रिक्स बाय इटसेल्फ, हमारे पास दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने आप से कर सकते हैं, जैसे कि ए को इस करें तो स्क्वायर, ए को तीन बार करें तो ए क्यूब इस तरह से बन सकते हैं, यानी कि अपने आप से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ये आइडेंटिटी हम कर सकते हैं, तो ये स्केल के फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से, ये सारा आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर सिक्स है हमारे पास ए बी सी एंड आई देन शो डेट ए बी इज नॉट इक्वल, यानी कि जो ऊपर हमें प्रॉपर्टीज बताई थी उनको उन्होंने कहा है कि यानी कि नॉट कम्यूटेटिव होगा एसोसिएटिव होगा, लेकिन और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है ये लेफ्ट साइड पे ये राइट डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगा, मल्टीप्लीकेटिव किसी आइडेंटिटी के साथ करें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ करें तो आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं ए बी, तो हमने ए लिखा बी लिखा दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये देख लेंगे, ठीक है, इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अभी हमने ऊपर भी देखा था कि हम ऐसे देखते हैं कि ये हमारा जो है इस तरह से देख लिया अपने कॉलम्स को और इसकी रोज को देख लिया, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई किया, वन वन को वन के साथ किया तो वन, टू को टू के साथ किया तो फोर, ये हमारी पहली वैल्यू बन जाएगी, फिर दोबारा से इसको मल्टीप्लाई किया सेकंड वाले के साथ, वन जीरो जीरो हो जाएगा, टू माइनस वन माइनस टू हो जाएगा जीरो, इस तरह से करके हमने इस तरह से सेकंड वाले को लिया फिर फर्स्ट मल्टीप्लाई किया सेकंड को फिर सेकंड मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा।
ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड के लिए भी सेम वही प्रोसीजर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो हमने आपस से इसका से मल्टीप्लाई किया, यहां से इसका से मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए इसने इसका से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज से, तो पहली वैल्यू आ जाएगी, फिर दोबारा से नंबर ऑफ रोज को इस सेकंड वाले के साथ किया तो ये आ जाएगी सेकंड वैल्यू, फिर इस किया सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ तो ये आ जाएगा, फिर सेकंड वाले को सेकंड के साथ किया तो ये वैल्यू। इसका से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, सॉरी बराबर नहीं आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर नहीं आएगी, ये प्रूव हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड हमने इसमें करना था अपना जो है डिस्ट्रीब्यूटिव देखना था, यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले ये देखे हमारे पास एसोसिएटिव है, सॉरी एसोसिएटिव वाला हमने देखा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया, हमने ये देखे ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू ले ली। अब हमने क्या कि ब्रैकेट में ए और बी को मल्टीप्लाई किया, इसको सी जो बाहर ए एस को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या किया सेम वही मतलब कि जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज के साथ मल्टीप्लाई की, पहली वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको इसके साथ सेकंड वैल्यू के साथ किया सेकंड वैल्यू, फिर इसके साथ जो सेकंड हमारे पास है इसको इसके साथ किया तो ये वाली वैल्यू, फिर इसके साथ सेकंड को सेकंड के साथ ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा। फिर दोबारा से वही प्रोसीजर, हमने नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया पहली वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू को सेकंड कॉलम के साथ, इस तरह से करके हमने ये इसको बना लिया, फिर हमारे पास एक ये लेफ्ट हैंड साइड जो है सोल्व होकर आ जाएगा। सिमिलरली फिर हम राइट हैंड साइड के लिए भी यही करेंगे, हमने जो है यहाँ पे पहले ब्रैकेट्स वाले को सोल्व करते हैं, हमेशा याद रखना पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं फिर दूसरी वैल्यू, ब्रैकेट को सोल्व किया पहले ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ये नंबर ऑफ जो है हमारे पास इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज के साथ मल्टीप्लाई किया पहली वैल्यू, फिर नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ सेकंड वैल्यू, फिर नंबर ऑफ सेकंड जो है इसको उसके साथ फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किए, जैसे हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए। और ये जो हमारे पास बाहर है उसको भी हम इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास ये सोल्व होकर आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया, राइट हैंड साइड भी आ गया, हमने यहाँ देखा दोनों बराबर हैं, 10 प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। अब हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, सॉरी अब ये हमारे पास आता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया ए और बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी को ऐड किया सिंपल जो ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं पहले, फिर उसके बाद हमने ये किया, ठीक है याद रखना हमेशा पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद हमने जो राइट हैंड साइड में ए बी ए सी था पहले हमने ए बी को साथ सोल्व किया, ए सी को दोनों को ऐड साथ साथ करते थे और बाद में जो कॉलम है उसको दोबारा से ऐड कर लिया दोनों मैट्रिसेस को, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हमने ये किया कि पहले ब्रैकेट्स को दोनों को ऐड कर लिया फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है पहले दोनों को ऐड करके नेक्स्ट स्टेप हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ कि पहले इन दोनों को सोल्व कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और फिर बाद में इनको ऐड कर दिया, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ पे बराबर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है टेकिंग ए आई, हमने ए जो है उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लीकेशन तो वही रूल है ना जो सेम चल रहा है, हमने क्या करते हैं यहाँ पर हम अपने नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई की, पहली वैल्यू आ गई फिर नंबर ऑफ रोज को नंबर सेकंड के साथ ये आ जाएगी, फिर नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के साथ ये इस तरह से वैल्यू आती गई और हमने ए आई लिख लिया। अब यहाँ पे आपने ए आई को देखा वो एक एक बना है, ठीक है फिर इसके बाद हमने आई ए को लिया तो फिर भी वही वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे कह दिया 10 प्रूफ, ठीक है दोनों बराबर है। अब अगला है आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी का आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है तो आई को आई के साथ करने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। आज जो है हमने सारे जो एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को देख लिया और बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली कि हम मैट्रिक्स को कैसे रिनोट करते हैं और क्या क्या मैट्रिक्स में होता है उसकी, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं और उसके जो लॉज हैं वो उससे मल्टीप्लीकेशन के एडिशन के देख लिए, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप हो सकते हैं, बिल्कुल आसान था आज का लेक्चर, ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़।